साइड पे हम वो मेकअप कर रहे हैं जो कि इनके चेहरे को और बेहतर कर सकता है. ठीक है, ठीक है. नॉट दैट शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल. और वही बेस चेंज किया. आईब्रोज जो थे वो डार्क थी, उनको ब्राउन के साथ करेंगे. ठीक है. लिप्स जो है उनको हम चेंज करेंगे. जब ये आधा इनका फेस फिजा कर लेंगी, ठीक है, तो फिर आपको नजर आएगा कि डिफरेंस क्या है मेकअप में. ठीक है. एक लाइट सा शेड उन्होंने बेस पे दिया और अब हल्के से डार्क टोन के साथ उन्होंने आंख की ये जो है सॉकेट लाइन ड्रॉ की, गोल्ड थोड़ा सा लगा दिया. ठीक है. दिन के वक्त का मेकअप है, शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल कलर. सो वी जस्ट वॉन्ट अ सॉफ्टर फ्रेश लुक ऑन हर फेस. ठीक है. अगर कैमरा देखे कि वो कैसे उसको ब्लेंड कर रही हैं, कि उन्होंने उसको आंख के अपर सॉकेट पे वो कलर अप्लाई करते हुए और उसके बाद इसे कॉर्नर से ब्लेंड कर दिया. और फिजा ने मेरा इतनी दफा मेकअप किया हुआ है, उसे आपको पता है फिजा कितनी दफा किया हुआ है? कोई हजारों दफा. जब भी मैं आती थी तो ढूंढ के इसके पास फिजा कहाँ है, बैठ के इंतजार करके फिजा से मेकअप में करवाया किए. अब जी हम बालों की तरफ आते हैं. ठीक है. आजकल जो है आपको पता है बच्चियां कर्ल्स देना चाहती हैं, थोड़ी सी अगर हाइट देनी है. आई प्रेफर कि सॉफ्ट बैक कॉम्बिंग हो. ठीक है. वो पत्थर वाली ना हो. सही. ठीक है. और जो सामने के ये हमने बाल छोड़े हैं ना, इनको हम इन्हीं के ऊपर हल्के हल्के लेके जाएंगे. ठीक है. खूबसूरत बाल वो लगते हैं जिनमें वेव हो, जिसमें मूवमेंट हो. ठीक है. ठीक है. आप ये दिखा सकते हैं काइंडली कि ये कैमरा ने कि हमने उन्हीं बालों को हल्का सा पिक कर, ठीक है, इनको पिक किया और इनको हम इस तरह करके लेके जाएंगे. ठीक है. और इसके लिए आप खाली स्प्रे के साथ भी इनको सेट कर सकते हैं और आप चाहें तो इन्विजिबल पिन के साथ कर सकते हैं. ठीक है. और मैं आपको इन्विजिबल पिन की भी जरा चलाकी बताती हूँ. अच्छा, ये इसे इन्विजिबल पिन कहते हैं. एक और दीजिए पैक. ठीक है. ये एक जुड़ा पिन की तरह की. हाँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट पिन्स होते हैं. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इनको ऐसे करके यूं लगा देते हैं. ठीक है. जो थोड़ी देर के बाद स्लाइड आउट कर जाती है. ठीक है. हमेशा इनविजिबल पिन का एक हिस्सा जो है ना, इस तरह मोड़ लेना चाहिए. एक हिस्सा जी. ठीक है. दोनों नहीं, एक जी. ठीक है. ये ठीक है. इन इसके एक टांग को थोड़ा सा तोड़ लें, मोड़ लें, थोड़ा सा मोड़ लें. ठीक है. ठीक है. अब इसको देखें तो ये मुड़ा हुआ है और एक तरफ ये है. ठीक. अब जब हम ये पकड़ेगा प्लीज, अब जब हम इसको स्लाइड इन करेंगे, सही, तो ये अब अपनी जगह से हिलने का नहीं है. ठीक है. ठीक है ना. और हमारे एक बड़े कर्ल्स, अब कर्ल्स जो है ना सॉफ्ट, क्योंकि हम इसी तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं. सो यू नो, लेट्स हैव अ वेरी वेरी सॉफ्ट इफेक्ट. पिन्स देते जाइए मुझे. ठीक है. और साथ साथ मैं फिजा पे भी नजर डाल रही हूँ. फिजा, ये अब क्या कर रही है? पाउडर लगा रही है बेस के ऊपर. ठीक है. और अब बेस की और उसके ऊपर अब हल्का सा उन्होंने पाउडर, ठीक है, पाउडर के साथ उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर रही है. अच्छा, यहाँ पे मुसरत आपने क्या खूबसूरत देखिए. सिर्फ एक ये वेव. अच्छा, थोड़ा सा मुझे स्प्रे दीजिए प्लीज. बालों के वही रूटीन नेचुरल जो कि कर्ल सामने थे उनको लिफ्ट करके अब थोड़ा सा अगर कैमरा इस एंगल से देखे ना, जहाँ पे ये, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे एक बहुत स्टाइल क्रिएट किया. एक्चुअली कुछ नहीं. ठीक है. अच्छा, हेयर स्प्रे जब लोग करते हैं तो वो बिल्कुल ही करीब जाके ऐसे नहीं करें, इसको थोड़ा सा दूर रखें, एंड सो दैट इट जस्ट स्टेज देयर. ठीक है. आपके बाल, आपके कर्ल्स, वो सारी चीजें जो है वो नेचुरल अंदाज में होनी चाहिए. ठीक है. सो वी हैव जस्ट टेकन द वेव्स एंड द मूवमेंट हेयर. ठीक है. ठीक ठीक. अब हम इस तरफ जो है इस तरफ लेकर आइए. ठीक है. सेम वे ये मूवमेंट्स लेके गए. ठीक है. ठीक है. आपने लिफ्ट करना है, प्लीज बड़े आराम से लिफ्ट करिए और स्प्रे करें. अच्छा, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कर्ल. आजकल फैशन में है. अगर आप इसको अलग करना चाहते हैं, आप इसको अलग कर लें. इतनी चीजें बन जाती हैं कर्ल्स के साथ कि मजा आ जाता है. ठीक है. बाल होने चाहिए, स्टाइल बन जाते हैं. नहीं, आप एक्सटेंशन लगा लें. ठीक है. लोग घबराते हैं, एक्सटेंशन फला महंगे हैं. इट्स नॉट महंगे. आप एक वो रीयूज होते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट. आपकी वो इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसको आराम से करें. आप इन बालों को कर्ल्स कर लें, जस्ट गिव अ लिटिल नॉट हेयर और नेचुरल तरीके से. अच्छा, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ. नाउ दिस इज मिलियन डॉलर टिप. जब कर्ल्स होते हैं, नॉर्मली बच्चियां कहती हैं कि जी हमारे कर्ल्स जो है ना वो खुल गए. ठीक है. सो होता यह है कि आपने इस तरह एक कर्ल उठाया, उसके बिल्कुल एंड से पकड़े और उसको ऊपर लेके जाइए. ठीक है. ठीक है. यूं कर दें. अच्छा, तो वो खुले हुए कर्ल्स भी एकदम से जी, और ये तभी सेट हो जाएंगे और ये खुलेंगे नहीं. ये आपने पकड़ा, ये देखें,
देख रही हैं आप? देख रही हूँ बिल्कुल, और वो वाकई एकदम से, और ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। अच्छा, सो हर दफा जिनको लगता है कि उनके कर्ल्स खुलते हैं, जिनको नहीं भी लगता, वो एनहांस कर्ल्स के लिए कर्ल्स करवाने के बाद ऐसे एक एक कर्ल को पकड़े और उसको हल्का सा ऊपर पुश कर दें। ठीक है, इस तरह से ये कर्ल्स जो है लॉक हो जाएंगे, लॉक भी हो जाएंगे और देखें वॉल्यूम आ गया बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। सो ये एक टिप जो है वाकई ये मिलियन डॉलर टिप है, इसे के फ्लैट हो जाती है, एकदम से ड्रूप कर जाते हैं, कर्ल खुल जाते हैं, और आजकल के मौसम में खासतौर पर जब इतनी गर्मी होती है, पसीना आता है, तो कर्ल्स तो गए। सो ग्रेट, कितना ये जबरदस्त ही एक टिप आपने हमें दे दी। ठीक है, अब आप अपना जरा फेस पे रखें एंड देन जस्ट अ स्प्रे। ठीक है, ऑफ द हेयर, सो वी आर डन। ब्यूटीफुल। और यहाँ पे देखें, हमने इनका भी वो फिनिश कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि इनके फेस का एक एनहांस सा लुक जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से होगा। और यहाँ पर फिजा ने भी अपना मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। फिजा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें, आंख के नीचे क्या कर रही हैं अब आप? इस तरफ करें जी, बिल्कुल, ये कैमरा सामने। अच्छा, सो बड़ा ब्लेंडेड सा आंख के ऊपर, आप एक्सप्लेन करें कि क्या किया इन्होंने। इन्होंने ये किया है कि एक तो पहले इनका बेस चेंज किया। ठीक है, इनको बेस कौन सा लगाया? मुझे बेस कौन सा लगाएगा? नेचुरल वार्म्थ है। ठीक है, अगेन ये वो है जिसमें दिस इज आमंड बिटे। नेचुरल वार्म्थ जो कलर है वो इसके अंदर भी आपके थोड़ा सा ऑरेंज टिंच आता है। ठीक है, जो जरा सा जिनका कलर सांवला है वो लगाने में एकदम से बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट जो है जी आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने वो लगाया। अब इसके बाद फिजा ने उनकी आईज बंद करेगा बेटे, आईज के ऊपर सॉफ्ट सा ब्राउन कलर, ठीक है, और डार्क ब्राउन के साथ डेप्थ दी है इनकी आंखों पे, हाइलाइटर हल्का सा टच किया है। ठीक है, और एक मक्खी जो है उसको भी टच कर रही है। सो ठीक है, अच्छा, एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइटर क्यों लगाते हैं आईब्रोज के ऊपर? इसलिए कि आपने जो सॉकेट लाइन ड्रॉ की है वो आप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नजर आएगी, एनहांस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि याद रखिए कि लाइट कलर बाहर लेकर आते हैं, डार्क कलर अंदर लेके जाते हैं। आंख बंद कीजिए, एक तरफ इनकी वो आंख है जो इन्होंने खुद से मेकअप किया हुआ था जिसमें ब्लेंडिंग नहीं है, दूसरी तरफ आपको वो आंख नजर आ रही है जिसमें ब्लेंडिंग है, और बड़ा उन्होंने मर्ज करके वही लाइनर लगाया लेकिन उसको डार्क ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड कर दिया और मर्ज कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना रिफाइंड एक लुक है। एंड देन वी कैन जस्ट फर्क आ रहा है। ब्लश ऑन दीजिएगा मुझे, मैं आपको वो ब्लश का भी बता दूं। ठीक है, साथ साथ के, क्योंकि ये दिन के हिसाब से करें और हम डिप तो वही ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम इसको सिर्फ इनके ब्लेंडेड इफेक्ट के साथ ला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यही कलर ऊपर चला गया, यहाँ पे इनके हमने पहले ही ब्राउन कलर का वो दिया हुआ था। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे ब्राउन दिखाई, बहुत लाइट सा हमने एक कलर जो है वो इनकी चीक्स पे दे दिया। ये वो है लाइन, है लाइन कंटूर, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये हमने कर दी और ये यहाँ डन। सो फिजा जब तक मेकअप साथ साथ कंप्लीट करती हैं, गुलाब और असीस जो है, आप असीस अकेले, तो असीस आइए, एक खूबसूरत सा गाना जो है वो हम आपसे साथ साथ सुनते हैं, और फिजा का मेकअप भी हम आपको साथ साथ देख रहे हैं, बस आपने गाना खत्म होने से पहले मेकअप कंप्लीट करना है। खुशामदीद, सिलेक्शन ऑफ ज्वेलरी भी तो बहुत अहम है मसरत पापा। अब आपने खूबसूरत सी माला पहनी हुई है जी, और वो कितनी अच्छी लग रही है, कितना एनहांस कर रही है। तो आप आगे थोड़ा सा हमें यहाँ पे बताएंगी कि नादिया जो है, नादिया की ज्वेलरी का नाम क्या? नादिया जी, इस जेमस्टोन्स बाय नादिया। जेमस्टोन्स बाय नादिया, ठीक है। सो इसमें ये आपने खुद डिजाइन की हुई है? हाँ, तकरीबन मेरे अपने डिजाइन हैं, कुछ मेरे साथी होते हैं साथ, जो हम मिलके कुछ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके हम बनाते हैं फॉलो। और ये सारे हमारे जो प्योर ट्रेडिशनल कल्चरल, जी जी बिल्कुल, ये प्योर ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोसेस में मॉडर्न हम टच देते हैं, फिर बाय द टाइम जैसे जैसे हमारे फैशन, हमारे ड्रेसेस का स्टाइल चेंज होता है, हमें भी फॉलो अप करना होता है अपनी ज्वेलरी के साथ, क्योंकि हम एक ही चीज पर तो नहीं रुक सकते कि हाँ अब हम ये बना रहे हैं तो बस यही। अच्छा, ये कितना खूबसूरत है ये, यानी बाजू का जो वो इसे क्या कहते हैं, इसको हम बाजू बंद कह सकते हैं, बाई कह सकते हैं, हैंड पीस कह सकते हैं। ठीक है, व्हाटएवर। सो ये दुल्हन,
अगर आपने कोई एक अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है और उसके साथ सिर्फ ये पहना हुआ है जिसमें बाजू थोड़े से नजर आ रहे हैं आपके, exactly. तो कितना खूबसूरत बिल्कुल जैसे एम्बेलिश हो रहा है आजकल बाजुओं के साथ हुँ. प्लस आपने ये हैंड पीस भी पहना हुआ तो ये आपको डबल डबल उसमें आपकी और इसी तरह से मुझे भी चूंकि ज्वेलरी मुझे हाथों की बाजू भी ज्यादा अच्छी लगती है तो मैं मेरी नजर जो उसी पे ही जाके रुकती है. सो ये कितना खूबसूरत लग रहा है. गोल्ड प्लेटेड कुंदन ज्वेलरी.